सर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? इतनी टेंशन मत लीजिए, ये अनन्या अवनी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स तो किसी से भी हो सकती हैं। सर स्लिप ऑफ टंग, यू नो। नो डीडी, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। नहीं नहीं सर, ऐसा भी होता है। वो अपनी राधा है ना सर, उसको मैंने एक बार राधिका बोल दिया था, उसने कस के चांटा मारा मेरे गाल पर। सर उस वक्त तो मुझे सेक्शन याद नहीं आया, वरना सेक्शन 353 के तहत उसे अंदर करवा देता। अगर तेरी बकबक खत्म हो गई तो काम की बात कर ले। सॉरी सर। मैंने अली की आंखों में बहुत सारे सवाल देखे, अब अनन्या से जुड़े हुए सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ अली दे सकता है और कोई नहीं। अच्छा किया तू खुद ही आ गई, वरना दयावंती मेहता के घर आके तेरे कान खींच के तुझे यहां ले आता। तू भले सारी दुनिया से अपना सच छुपा ले अवनी, लेकिन तू अपने अली से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? इतने सालों से पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रहा था। सबने कहा कि अवनी मर गई है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मेरी अवनी जिंदा। और मैं जब उस दिन नीला आंटी के घर आया ना, तो मैंने वहां के देखा कि हम उसे बुलाएंगे। अमन मुझे माफ कर दे गुट्टू बेटा, मैं उस डायन की चंगुल से अपने अमन को नहीं बचा पाई। आज अपनी जबान से ये कह रही हूँ तो कि हमारा अमन वो अमन नहीं रहा जो जो तू उसे बनाना चाहती थी। तू कुछ और ही बन गया। दयावंती की परवरिश ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। बिगड़ गया मोहम्मद, बिगड़ गया मेरा बच्चा। अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। हम ये कर रहे हैं। एक मिनट, मेरे पास अपना डिब्बा भी है। मैं अभी तक संभाल के रखा है। एक मिनट। अगर संभालता नहीं तो तुझे मिलकर क्या जवाब देता अपनी? पोटैटो चिप्स। पता है अली, जब भी मैं इन्हें देखती थी ना तो तेरी बहुत याद आती थी। नो वंडर तू इतना मोटा क्यों था, जस्ट लाइक अ टेडी बियर। लेकिन तूने इतना वेट लॉस किया कैसे? अरे मेहनत करता हूँ। और तुझे याद है तूने बचपन में कहा था? मेरे पास एक आइडिया है, जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब यहाँ पर एक बड़ा सा कैफे खोलेंगे। और तूने कैफे खोल भी लिया। ये देख सिद्धिविनायक का प्रसाद, मैं हर ट्यूसडे जाता था और तेरे लिए प्रसाद लेके आता था। गणपति जी सबकी विश पूरी करते हैं ना, आज गणपति जी ने मेरी विश भी पूरी कर दी। मेरी अपनी वापस आ गई ना प्रसाद। आई नो, तो सिद्धिविनायक मेरे लिए नहीं बल्कि ये मुफ्त का प्रसाद खाने के लिए जाता होगा।
और ये याद है, ये चूहा बचपन में तेरा फ्रेंड होता था ना। लेकिन अली, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, नन्नू को भी नहीं। पर अभी नन्नू को बताने में क्या, तुझे पता तेरा कितना इंतजार किया है, कितना रोई है वो तेरे लिए अपनी। मैं जानती हूं, लेकिन प्लीज मेरे लिए तुझे ये करना ही होगा। ठीक, नहीं बोलूंगा। वैसे एक बात बता, वो कंगन तूने बदले थे ना, क्या चल रहा तेरे दिमाग में? दयावंती की बर्बादी? हाँ ठीक है, हमेशा की तरह ये अली तेरा पार्टनर। और अब ये बता, नेक्स्ट क्या करना है? मैं लड़ूंगी अली, ये मैं अकेले ही लड़ूंगी। मेरी गोली के निशान भले भर चुके हो, लेकिन मेरे दिल के घाव अभी भी ताजा हैं। मैंने हमेशा अपनों को खोया है, मैं थक चुकी हूं, अब मैं तुझे नहीं खो सकती अली। अभी लेकिन आखिर कब तक ऐसे अकेले करेगी तू? जब तक दयावंती मेहता बर्बाद नहीं हो जाती, जब तक अमोल फिर से अमन नहीं बन जाता। लेकिन अवनी तू जानती है ना कि वो लोग कितने खतरनाक है। अली प्लीज यार, मैं मेरा फैसला नहीं बदल सकती, और तू मेरी कमजोरी मत बन यार। प्लीज, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए।